हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ सीआरपीसी का कराने जा रहा हूं, ये समन का टॉपिक है कि समन क्या होते हैं, समन कैसे सर्व किया जाता है, कौन सर्व करता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 तक डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। और मेरे चैनल के ऊपर ये मेरी सीआरपीसी की 12th वीडियो है, उससे पहले मैं 11 वीडियोस डाल चुका हूं, तो आप प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में मेरे सीआरपीसी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज की 60+ वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि आपको यूपीएससी ईपीएफओ नेट के एग्जाम या एलएलबी के एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। सारा कंटेंट मैंने कंप्लीट कवर कर रखा है, इंटायर कवरेज ऑफ द एक्ट है, उसके साथ केस लॉज भी मैंने कवर करा रखे हैं। तो आज हम समन का काम शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन 61 समन क्या रहेगा, फॉर्म ऑफ समन। सेक्शन 61 बात करता है फॉर्म ऑफ समन। अब पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये समन होता क्या है। देखिए समन का मतलब होता है, समन एक तरीके का नोटिस है जो उस व्यक्ति पे, चाहे वो विटनेस हो चाहे वो अक्यूज्ड हो, उस पे सर्व किया जाता है। कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर मैटर में आपको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, तो यू हैव टू अपियर एंड आंसर इन द कोर्ट। तो समन एक वो नोटिस है जो कि या तो अक्यूज पे सर्व किया जा रहा है या फिर विटनेस पे सर्व किया जा रहा है कि आपको कोर्ट में इस पर्टिकुलर तारीख पे अपीयर होना है। और इवन की अगर आपको समन देखेंगे तो समन का फॉर्मेट भी वही होता है कि समन इस तरीके से होता है, टू जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम आ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अक्यूज्ड को है, क्योंकि 61 के अंदर जो समन है वो आपके सीआरपीसी के फॉर्म नंबर 1 का, उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्म नंबर 1 में मेंशन है, तो उसमें ऊपर अक्यूज्ड का नाम होता है किसको भेजा जा रहा है, ठीक है। यू हैव टू अपीयर एंड आंसर टू द चार्ज, मतलब आपको एक पर्टिकुलर आपके, मान लीजिए आपके सेक्शन 379 का आप पे चार्ज बना हुआ है, ठीक है। तो आपको अपियर एंड आंसर करना है इस चार्ज के रिगार्डिंग, और आप इस चार्ज के रिगार्डिंग अपियर होंगे, आप आंसर करेंगे, आपको इस पर्टिकुलर डेट पे कोर्ट में अपियर होना है। यहाँ पे कोर्ट की सील होती है, कोर्ट का स्टैंप लगा होता है, यहाँ पे कोर्ट का स्टैंप लगा होगा और यहाँ पे उस मजिस्ट्रेट के साइन होंगे। तो समन का ये एक बेसिक फॉर्मेट है, फॉर्म नंबर 1 सीआरपीसी के अंदर समन का फॉर्मेट दिया हुआ। तो 61 वही कहता है कि फॉर्म क्या रहेगा, समन का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो समन हमेशा ध्यान रखना, समन हमेशा राइटिंग में रहना चाहिए, समन ओरली नहीं दिया जाता। समन किस में रहना चाहिए, राइटिंग में रहना चाहिए। समन डुप्लीकेट में इशू किया जाता है। क्यों डुप्लीकेट में इशू किया जाता है, रीजन बता देता हूं। एक तो हम सर्व कर देते हैं, मान लीजिए मुझे किसी अक्यूज या विटनेस को समन सर्व करना है, तो एक तो मैं उसको सर्व कर दूंगा और एक मैं उसकी इंडोर्स्ड कॉपी ले आऊंगा कि उस समन के पीछे वो जो बंदा साइन करके देगा ना, ताकि ये प्रूफ रहे कि हाँ उसको समन सर्व हो गया है, तो उसकी एक कॉपी हम कोर्ट में वापस आके जमा कर देंगे। तो जो भी फॉर्म ऑफ समन रहेगा वो फॉर्म ऑफ समन हाई कोर्ट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, समन हमेशा राइटिंग में रहेगा, समन डुप्लीकेट में इशू किया जाएगा, फॉर्मेट क्या है हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, और 61 का जो समन है वो फॉर्म नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। सीआरपीसी के लास्ट में बहुत सारे फॉर्म अटैच्ड है कि अलग अलग फॉर्मेट, जो वारंट कैसे बनता है अलग अलग केस का, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का वारंट कैसे, अदर वारंट कैसे, विटनेस को बुलाना है तो उसका समन कैसे, तो ये सारा फॉर्मेट आपका फॉर्म नंबर मतलब सीआरपीसी के फॉर्म्स में मेंशन है। अब आते हैं सेक्शन 62 पे। देखिए सेक्शन 62 बात करता है समन कैसे सर्व करना है, समन को कैसे सर्व करना है। तो समन को सर्व करेगा पुलिस ऑफिसर, समन शैल बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, या फिर कोई भी ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई दूसरा ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, अदर ऑफिसर, या फिर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसको ऑथराइज्ड हो वो समन सर्व कर सकता है। तो मेरा यहाँ पे कहना सिर्फ यही है कि देखिए जनरली जो समन सर्व होता है वो आपका पुलिस ऑफिसर ही सर्व करता है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर के मतलब अलावा कोई दूसरा ऑफिसर भी समन को सर्व कर सकता है। दूसरी चीज, जितना प्रैक्टिकल हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, कोशिश की जाएगी कि समन को पर्सनली सर्व किया जाए। पर्सनली मतलब कि जिस व्यक्ति के नाम का समन है, जिस व्यक्ति के नाम पे समन इशू किया गया है, समन को उस व्यक्ति के नाम पे, मतलब उस व्यक्ति को पर्सनली ही सर्व किया जाए। और उसके बाद वो पर्सनली जब समन ले लेगा तो एक तो वो रिसीव कर लेगा एक कॉपी, और एक कॉपी के पीछे अपना साइन कर देगा और इंडोर्स कर देगा कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया है। तो वो एक तरीके के एक्नॉलेजमेंट की तरफ वर्क करता है। तो लॉ क्या कहता है 62 की, समन को पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, जनरली पुलिस ऑफिसर ही सर्व करता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी और को अपॉइंट कर देती है सर्व करने के लिए तो वो भी कर सकता है, फिर कोई दूसरा सर्विंग ऑफिसर भी हो सकता है जो पब्लिक सर्वेंट है।
लेकिन बात यह है कि समन को कोशिश की जाएगी कि समन कैसे सर्व हो, पर्सनली सर्व हो। हालांकि जरूरी नहीं है हमेशा पर्सनली सर्व हो, मान लीजिए वो विटनेस अवेलेबल ही नहीं है, मान लीजिए अक्यूज भाग गया है, तो उस केस में समन पर्सनली कैसे सर्व करोगे। तो कोशिश यही रहती है कि पर्सनली सर्व किया जाए, और अगर नहीं है तो उसके भी तरीके हैं, उसके ऊपर आज हम आगे डिस्कशन करते हैं। नाउ सेक्शन 63, अगर मान लीजिए आपको कॉर्पोरेट बॉडीज पे समन सर्व करना है, अब जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड ये एक कंपनी है, ठीक है, अब इस पे समन कैसे सर्व करेंगे। ए लिमिट, हालांकि कंपनी लॉ कहता है कि जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मगर एक्चुअली में तो कोई फिजिकल ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, तो उस कंपनी में आप क्या करेंगे, कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर, जो भी कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, या फिर जो भी कंपनी का आपका सेक्रेटरी होगा, मतलब जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, जिसको जो कंपनी के बिहाफ पे जो जितने भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं वो रिसीव करता है, कंपनी के जितने लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस रिसीव करने वाला व्यक्ति है, आप उसको अगर समन सर्व कर देंगे तो उस केस में दैट इज सफिशियंट कि आपने उस कॉर्पोरेट बॉडी पे, आपने उस कंपनी पे भी समन सर्व कर दिया। उसके लिए आपको सेपरेटली आप किसी और को समन सर्व नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 63 इसी के बारे में बात करता है कि समन अगर आपको कंपनी पे सर्व करना, तो कंपनी तो कोई फिजिकल ह्यूमन बीइंग है नहीं, उसको समन कैसे सर्व करोगे। तो उसका जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है आप उसको समन सर्व कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। नाउ सेक्शन 64, अब मान लीजिए जिस व्यक्ति को आपने समन सर्व करना है वो व्यक्ति घर पे है ही नहीं, पुलिस ऑफिसर समन लेके गया, बोला हां जी कोई है यहाँ पे, इसके नाम का समन है, इसको 15 तारीख को कोर्ट में अपियर होना है, 15 जुलाई को दिल्ली को 30 जारी में अपियर होना है, तो उस केस में घर वालों ने बोला कि वहां पे नहीं, ये तो अभी है नहीं घर पे, तो उस केस में क्या किया जाएगा, समन वापस लेके आया जाए या समन किसी और को दे दिया जाए। तो लॉ कहता है, सेक्शन 64 कहता है कि अगर आप समन जिसको सर्व करने गए हैं और वो अवेलेबल नहीं है, वो नहीं मिल पा रहा, तो आप समन को किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को दे दे। ध्यान रखना, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, एडल्ट मेल मेंबर को सर्व कर दें। हालांकि यहां पे कायदे से तो दोनों होना चाहिए था, एडल्ट मेंबर मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए था, बट अभी लॉ में फॉर द टाइम बिंग जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं आपको। तो लॉ कहता है सेक्शन 64 का कि अगर आपको वो व्यक्ति घर पे नहीं मिलता है, तो पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी सर्विंग ऑफिसर जो समन को लेके गया है, वो किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को वो समन भी सर्व कर देगा, तो और उसके बाद वहां पे उसके साइन ले लेगा, रिसीविंग ले लेगा, रिसीविंग मतलब एक्नॉलेजमेंट ले लेगा, तो दैट शैल बी सफिशिएंट दैट द समन हैज बीन सर्व। समन सर्व हो गया, लीगली जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी हो गई। मगर सवाल आता है कि मान लीजिए उस टाइम पे घर पे एडल्ट मेल मेंबर है, मगर एक वो सर्वेंट है, वो काफी सालों से घर पे काम करता है, तो क्या हम सर्वेंट को मेंबर मानेंगे या नहीं मानेंगे। लॉ कहता है सर्वेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो जो भी एडल्ट मेल मेंबर है, सर्वेंट को हटा के, सर्वेंट को ट्रीट नहीं करते, उसको आप समन सर्व कर देंगे। अब इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूं, सीआरपीसी के अंदर समन सर्व करने के रिगार्डिंग क्या है, मेल मेंबर। यही चीज अगर आप सीपीसी के अंदर देखेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर देखेंगे, ऑर्डर नंबर 5 के अंदर, जिसके अंदर यह समन सर्व करने का काम होता है, सीपीसी की बात करो, सीआरपीसी की नहीं, वहां पे एडल्ट मेल मेंबर नहीं लिखा हुआ, वहां पे लिखा है एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। वहां पे जो सीपीसी के अंदर मेंशन है कि आप समन घर पे छोड़ सकते हैं, किसके पास, एडल्ट मेंबर के पास, लेकिन सीआरपीसी क्या बोलता है कि आपको समन किसके पास छोड़ना पड़ेगा, एडल्ट मेल मेंबर के पास। और क्या सर्वेंट ट्रीट किया जाएगा मेंबर ऑफ द फैमिली, नहीं किया जाएगा, ना ही सीपीसी में ना ही सीआरपीसी में, दोनों के अंदर सर्वेंट को मेंबर ऑफ द फैमिली ट्रीट नहीं किया जाता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं 65 की ओर, सेक्शन 65, मान लीजिए 62 के अंदर आप सर्व करने गए, नहीं सर्व हो पाया, 63 के मैनर में आप कॉर्पोरेट बॉडी पे करने गए थे, नहीं सर्व हो पाया, 64 में आप घर पे गए, घर पे कोई भी नहीं मिला, ना एडल्ट मेल मेंबर है, ना कोई दूसरा व्यक्ति घर पे अवेलेबल है, तो आप समन को कैसे सर्व करेंगे। तो उस केस में आप समन को घर के किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगा के आ जाएंगे, आप उस समन को अफिक्स कर देंगे, कहां पे अफिक्स कर देंगे,
कॉन्स्पिशियस पार्ट पे। अब ये कॉन्स्पिशियस पार्ट का मतलब होता है घर का वो हिस्सा जो जनरली सामने से दिख जाए, मतलब जैसे गेट है, ठीक है, गेट कोई व्यक्ति अगर किसी घर में एंट्री करेगा तो वो गेट से ही करेगा, तो वहां पे आप जाके समन लगा दीजिए, या फिर गेट के साथ में जो वॉल है वहां पे आप समन लगा दीजिए। मतलब कॉन्स्पिशियस पार्ट का मतलब है कि वो जगह, वो एरिया जहां से क्लियरली दिख जाए किसी को भी, तो आप वहां पे जो भी बंदे का एड्रेस है जहां पे वो यूज ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है, जिसके ऊपर हमें समन सर्व करना था, वो बंदा खुद नहीं मिला, उसके घर वाले कोई नहीं मिले, तो हम उसके घर पे ताला लगा था, हमने जाके समन उसके घर पे चिपका दिया, और उस केस में भी वो सफिशियंट सर्विंग कहलाएगी। ये कहता है आपका सेक्शन 65। अब चलते हैं सेक्शन 66 की तरफ। सेक्शन 66, समन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अब मान लीजिए आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं और आपको समन सर्व करना है। बहुत आसान तरीका है, जो भी उस गवर्नमेंट सर्वेंट का हेड होगा उसके डिपार्टमेंट का, उसके ऑफिस का, आप समन उसको दे दें, वो व्यक्ति समन को सेक्शन 62 के मैनर में सर्व कर देगा। पॉइंट समझ में आया? कि मान लीजिए पुलिस वाला है, ठीक है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मैं डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, या फिर मैं तहसील में काम करता हूं, या फिर मैं जल बोर्ड में काम करता हूं, बिजली बोर्ड में काम करता हूं, तो मेरे को डायरेक्ट समन ना देके मेरा जो भी ऑफिस का हेड है ना उसको समन सर्व कर दिया जाएगा, और वो जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो सेक्शन 62 की तरह, जो मैंने अभी आपको बताया था जो पुलिस वाला सर्व करता था, तो सेक्शन 62 के मैनर में वो हेड ऑफ द ऑफिस सर्व कर देगा मुझे समन, और वहां पे साइन कर देगा, और दैट शैल बी सफिशियंट। ये माना जाएगा कि समन सर्व हो गया। सेक्शन 66 इसके बारे में बात करता है। अब चलते हैं सेक्शन 67 की तरफ। सेक्शन 67, समन टू बी सर्व्ड आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अब देखिए, 30,000 में से एक समन सर्व करना है, और जो जुरिस्डिक्शन है वो द्वारका वाले की है, मतलब जो व्यक्ति रह रहा है द्वारका वाले की है, या फिर दूसरे स्टेट में ही चलते हैं हम, मान लीजिए गाजियाबाद की को कोर्ट है, वहां पे समन सर्व करना है, ठीक है। अब ये तो आउटसाइड द लोकल लिमिट्स होगी, इस कोर्ट की लिमिट में ये गाजियाबाद का कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आता नहीं है, तो अब उस केस में समन को कैसे सर्व करेंगे? क्या ये पुलिस वाला यहां से डायरेक्ट समन लेके जाएगा गाजियाबाद कोर्ट? नहीं, यहां से समन भेजा जाएगा यहां के मजिस्ट्रेट को। गाजियाबाद का जो भी लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगा, जो लोकल लिमिट है, वहां के मजिस्ट्रेट को समन सर्व कर दिया जाएगा, और वो सिमिलरली जैसे नॉर्मल समन को सर्व किया जाता है उसको समन सर्व करवा देगा। लॉजिक समझ में आया कि अगर आपका समन सर्व होना है वो भी आउटसाइड द लोकल लिमिट की, वो उस अदालत की ज्यूरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता और वहां पे समन सर्व करना है, तो आप कैसे समन को सर्व करेंगे? आप जो भी जिस एरिया में आपको समन सर्व करना है वहां पे जो भी मजिस्ट्रेट होगा आप उस मजिस्ट्रेट को समन सर्व करिए, और वो मजिस्ट्रेट अपनी लोकल लिमिट्स में फर्दर फिर समन को सर्व करा देगा। ये है सेक्शन 67। अब चलते हैं 68 और 69 पे। देखिए सेक्शन 68, सेक्शन 68 कहता है कि मान लीजिए जो सर्विंग ऑफिसर है जिसने समन को सर्व किया है वो प्रेजेंट नहीं है, वो अभी प्रेजेंट नहीं है, तो अगर ये सर्विंग ऑफिसर ये एफिडेविट दे दे, अगर सर्विंग ऑफिसर ये एफिडेविट सबमिट कर दे कि समन सर्व हो चुका है, कि समन सर्व हो गया है, तो ये एज्यूम किया जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि समन एक्चुअली में सर्व हो चुका है, और वो एज एन एविडेंस लिया जा सकता है। पॉइंट मेरा ये हुआ कि मान लीजिए ये प्रूफ करना है कि एक व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि नहीं समन तो सर्व मुझे हुआ ही नहीं, और समन सर्व करने वाला सर्विंग ऑफिसर अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वो जो सर्विंग ऑफिसर है उसका एफिडेविट ले लेंगे। अगर वो सर्विंग ऑफिसर अपनी एफिडेविट में ये बात कह दे कि साहब मैंने तो समन सर्व किया और इन्होंने रिसीविंग भी ली है, तो उस केस के अंदर ये माना जाएगा कि समन सर्व हो गया। मगर यहां पे एक लैंग्वेज लिखी है 68 में, unless the contrary is proved, कि अगर जिसको समन सर्व किया गया वो ये प्रूव कर दे कि एक्चुअली में मुझे समन कोई सर्व नहीं किया गया, तो उस केस में सर्विंग ऑफिसर की बात गलत साबित करी जा सकती है। मगर
मैं प्रिजम्पशन की बात कर रहा हूं कि अगर सर्विंग ऑफिसर एफिडेविट दे दे तो पहले यही माना जाएगा कि हाँ समन को सर्व किया गया था। ये था आपका सेक्शन 68। आप चलते हैं आज के लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन 69। देखिए सेक्शन 69 बात करता है कि अगर आपको विटनेस को समन देना है, अगर आपको विटनेस को समन देना है तो आप सर्व तो कर रहे हैं, आपने सर्विंग ऑफिसर के द्वारा उसको सर्व कर दिया, उसके अलावा इन एडिशन टू दैट मतलब ऐसे सर्व करें कोई बात नहीं, आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भी, कहां से, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी, जो सरकारी पोस्ट की आपकी चैनल्स हैं, जो आपकी कंपनी सरकारी कंपनी है, जो इंडिया पोस्ट है आपका, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उसको एक समन भेजिए जहां पे वो ऑर्डिनरली रिसाइड करता है या वर्क करता है, जो भी उसका एड्रेस है वहां पे आप उसको एक समन भेजिए। और उस केस में अगर मान लीजिए वो समन रिसीव करता है, पोस्टमैन जो देने गया उसको समन, तो अगर वो उसको एक्नॉलेज करता है या फिर लेने से रिफ्यूज कर देता है, जो रजिस्टर्ड पोस्ट से समन गया है अगर वो उसको एक्नॉलेज करता है या लेने से रिफ्यूज करता है, दोनों ही केस में ये माना जाएगा कि समन सर्व हो गया। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, विटनेस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो आज मैंने आपको समन के बारे में बताया कि समन क्या होता है, समन कौन इशू करता है, समन डुप्लीकेट में इशू किया जाता है, अगर कंपनी हो तो समन कैसे सर्व किया जाएगा, अगर नहीं कोई मिल रहा तो एडल्ट मेल मेंबर को कर दो, फिर भी कोई नहीं मिल रहा तो घर के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगा दो। तो ये सारे समन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज मैंने इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है एजुकेशनल पैनेसिया, वहां पे मैंने आपके लिए 2 मिनट की लॉ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ऑलरेडी चल रही है वो अभी, जिसके अंदर मैं सीपीसी की सिविल प्रोसीजर कोड की जजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। 2-2 मिनट में मैं सारी लैंडमार्क जजमेंट इशू एंड द लॉ डायरेक्ट कवर कर रहा हूं। तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मेरा कंटेंट देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच।